साथ आयुषी शर्मा, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। निःशक्त जन विभाग द्वारा वृक्षतीर्थ महर्जा में सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है और यहां रीति रिवाज के साथ मंत्रोच्चार के बीच 43 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए हैं। वर वधु को जनपद सीएओ तहसीलदार रंजना पाटीदार ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि कन्यादान बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है और इसमें मन की खुशी की अनुभूति होती है। आयोजन के दौरान वर वधु सहित परिजन एवं रिश्तेदारों के बीच उल्लास का माहौल रहा। सुबह से ही आयोजन स्थल पर बारातों की आवाजाही शुरू हो गई और प्रशासन गहराती बना। विवाह के बाद योजना के तहत टीवी, सिलाई मशीन, गृहस्थी सामान सहित नगद राशि एवं उपहार दिए गए और रिसेप्शन पर सहयोगी दिलीप पंचोली, शेखर कौशल, सांसद प्रतिनिधि सदाशिव पाटीदार, महिला बाल विकास हेमलता बंझाने सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद। क्या उद्देश्य है? बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज गोगांव जनपद पंचायत गोगांव के तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 42 वर वधुओं का विवाह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत उन्हें वर वधु को 38,000 रुपये की गृह सामग्री दी जाएगी, साथ ही उन्हें 11,000 रुपये का चेक अभी आयोजन में दिया जाएगा। कहां-कहां से जुड़े हुए हिस्सा लिया है? जनपद पंचायत गोगांव के अंतर्गत में प्रॉपर गोगांव जनपद के ही लगभग सभी जोड़े थे। 2 से 3, 4 से 5 जोड़े ऐसे होंगे जो जिले के जनपद से अलग होंगे। क्या सोच क्या है इसके पीछे? सोच ये है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो योजना निकाली है सरकार ने, अच्छी योजना है और उन गरीब लोगों के लिए है, उन गरीब वर वधुओं के लिए है जिन्हें ये लाभ मिल सके और अपनी गृहस्थी चला सके। क्या नाम है आपका? दिलीप पंचोली, सामाजिक कार्य।